कंटेंट क्रिएशन जहां पर तुम्हें अपने आप को दिखाना है, अपनी बातें बोलनी है, अपने बारे में बोलना है, ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट लगता था 5-6 साल पहले। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ 2 साल पहले ही, भले ही मैं काम कर रही थी, क्लाइंट से मीटिंग कर रही थी, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बात कर सकती थी इतनी, और ना मैं अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट थी। तो सोशल मीडिया या कॉन्टेंट क्रिएशन से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है। एक ये भी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जनरली जैसे अगर किसी को वीडियो बनानी हो तो 10 बार सोचता है कि नहीं 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 मैंने बनाई थी, चाहे गंदी से गंदी बनाई, चाहे मैंने फिल्टर यूज किया हो, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैंने मेरे को पता था कि मुझे करना है। और मेरी फैमिली ऐसे देखती थी, क्या कर रही, क्या बकवास है ये, कौन देखेगा तेरे को, क्या नॉलेज दे रही है तू, क्या किसी की हेल्प हो रही है ना। इवन मेरे खुद के भाई बहन हो या खुद के फ्रेंड्स हो, अगर मैं उनको बोलूँ कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करो तो वो तो बिल्कुल नहीं यार, ये तो बड़े लोगों का बात है, नहीं हुआ, लग काम करता है, तो लोग पहले मना करते हैं हर चीज के लिए, खुद से नेगेटिव होते हैं। मेरे अंदर वो नहीं था, किसी ने अगर मुझे कोई आइडिया दिया ना तो मैं ये नहीं सोचती थी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं सोचती थी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। Neha Nagar, our guest today, has always wanted to be a businesswoman. But growing up in a village made her journey harder than the rest. She pursued CA and failed 3 times. Worked in a private company, did her MBA, also did acting and modeling. She eventually quit her job at India Infoline Group and started her own business called Taxation Help to help people expand their startups and provide taxation and registration advice. Today, she's also a famous content creator. In today's podcast, we discuss her resilience and hard work. We talk about the importance of communication skills and confidence and how these things can help you in your career. So let's hit that subscribe button and the post notification bell and let's get started with our first ever Hindi podcast. Hi Neha, thank you so much for taking the time out and being on the Career Show today. Thank you so much for being here. Thank you Trishank, thank you for inviting. I'm glad I'm here. So Neha, सबसे पहले आज बात करते हैं हम about how your journey started. I don't know if a lot of people know this, but something that I find super inspiring about you is the fact that when your journey had started, when you had come to Delhi, you felt like an outsider. You faced a lot of depression kind of things, but you still fought that and you are here with me today where you've achieved so much. What helped you fight those things and still stand out? लाइफ में बहुत चेंज रहा है मेरी में, क्योंकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेरे स्कूल्स भी बहुत चेंज होते रहे थे। इवन गांव में भी, जब मैं 13th की एज तक वहां पर थी, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी गवर्नमेंट, कभी प्राइवेट, एंड तो एजुकेशन जो बेसिक वाली होती है उसमें मुझे काफी डिफिकल्टीज हुई थी। एंड देन फिर मैं थोड़ा सा वहाँ पे कोप अप करने लग गई थी, थोड़ा समझने लग गई थी। फिर हमारे पेरेंट्स ने शिफ्ट कर लिया गाजियाबाद में, तो फिर यहाँ पर पूरा इंग्लिश मीडियम था और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लोग मुझे मिले थे। तो जब मैं बात करती थी, मैं 10 बार सोचती थी, अगर मुझे कोई सवाल पूछना है किसी से तो तब भी मैं सोचती थी कि इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ, इस सेंटेंस को। तो इतना ज्यादा मेरे अंदर यू नो लो कॉन्फिडेंस आ गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। एंड मुझे याद है, मुझे ज्यादातर बच्चे बोलते थे कि मैं बहुत अलग हूँ, बहुत अलग हूँ, तो मुझे काफी अलग फील कराया गया बाकी सबसे। वो मेरी ही कारण था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। बट मुझे एक मैम मिली थी वहां पर जिन्होंने मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा गाइड किया था कि थोड़ा इंग्लिश पे काम करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। और एक्चुअली में वैसा ही हुआ, जैसे मैंने इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया तो मुझे बाकी चीजें समझ में आने लगी, बाकी सब्जेक्ट भी समझ में आने लगे। तो फिर मैंने ठीक ठाक 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ठीक ठाक 70 मतलब मैंने स्टार्ट किया था 40% से, 12th के एंड तक 80% तक मैं आ गई थी। तो 12th मेरे 80 आए थे, तो वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक होने लगा था मेरा इन 4-5 सालों में ना। तो फिर कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर पेरेंट्स को लगा कि ये अच्छा कर सकती है। 12th के बाद जब 12th में 80% आ गए तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, मेरी खुद की बढ़ गई मेरे से। और हमें खुद पता नहीं था कि करियर ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ ग्रेजुएशन का पता था और मेरे कुछ दोस्त CA कर रहे थे। तो पेरेंट्स ने सोचा तुम भी CA ही कर लो। तो मेरा फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ तो पेरेंट्स और खुश कि वाह वाह वाह, ये तो कुछ भी कर लेगी अब। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर सेकेंड क्लियर हुआ, वो भी ठीक ठाक था, उसमें मेरे कम मार्क्स आए थे बट हो गया था।
जो सेकंड का सेकंड ग्रुप होता है वो मेरा नहीं हो पाया, तो उससे मेरे पूरे 3 साल चले गए. सो आई थॉट कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर पे बैठी तो शादी तो 100% हो जाएगी. तो आई थॉट चलो एमबीए कर लेते हैं. तो मैंने पापा से बोला कि पापा प्लीज एमबीए करने दो. पापा ने कहा नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है. पापा को था कि चल अगर सीए नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि हम गुजर कम्युनिटी से हैं तो वहां पर लड़कियों को प्राइवेट जॉब कोई इजीली नहीं कराएगा, हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर अगर उन्होंने कराई भी तो 1 साल बाद बोलेंगे कि घर बैठ जा. तो पापा चाहते थे कि मैं घर घर ना बैठूं, मैं काम करूं. बट पापा को ये भी पता था कि हमारी कम्युनिटी में या इवन इंडिया में ही लड़कियों को शादी के बाद काम नहीं करने दिया जाता है. तो पापा बोलने लगे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, और मैं सुनती नहीं थी. मतलब मुझे लगता था गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ और कर लूं. तो फिर उस वक्त मैंने बोला कि नहीं पापा प्लीज एमबीए करने दो, प्लीज एमबीए करने दो. तो एमबीए की फीस जो थी, जो मैंने कैट मैट वगैरह दिया था, उनकी बहुत ज्यादा फीस थी. तो फीस के लिए अगर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए. तो भले ही मैंने एमबीए के लिए थोड़ा बहुत कन्वेंस कर दिया, 1 साल मतलब मेरी लेट हो गई थी. बीकॉम के बाद 1 साल मैं वेट किया, कुछ नहीं किया 1 साल. बीकॉम के बाद मैंने वेट किया कि मैं एमबीए करूं. पापा से बोला करूं करूं करूं, तो पापा थोड़ा अग्री नहीं कर रहे थे उस पे. तो आई थॉट कि चलो जॉब कर लेते हैं पहले, और थोड़ा बहुत पैसा वहां से आएगा तो मैं एमबीए में लगा दूंगी. तो मैंने उसमें मैंने काम किया था टीसीएस में, सॉरी टाटा टेलीकॉम सर्विसेज में, टीटीएसएल में. तो वहां पर बैकएंड का काम था, और वहां पर मैंने 6-7 महीने काम किया था. तो वहां पर मेरी 15,000 सैलरी थी, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा मिला था वहां से. तो वो मैंने जो एमबीए की एडमिशन फीस है उसमें दे दिया था. तो पापा को लगा चलो ये सीरियस है, अगर खुद इतना कर रही है तो करने देते हैं. तो फिर उस वक्त पापा ने बाकी की फीस दे दी थी. तो इस तरीके से मेरी एमबीए हुई. एमबीए में अब जब मैं एडमिशन ले लिया था, वो दिल्ली में कॉलेज था, तो दिल्ली में कॉलेज था और मैं 3 साल से घर बैठी हुई थी, और मैंने 6 महीने जॉब की थी. वहां पे भी जॉब में जाओ बैठ जाओ, और कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने वाला था नहीं. तो आई थॉट कि ये मेरे पास 2 साल है, इसके बाद तो अगर मैंने कुछ किया तो ठीक, अदरवाइज पेरेंट्स से शादी ही कर देंगे. तो आई थॉट टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स. तो मैंने वहाँ काफी चीजें एक्सप्लोर की. मैंने एक दो मॉडलिंग में भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं जीती थी. तो मैंने एक म्यूजिक एल्बम भी की थी, जी म्यूजिक एल्बम. उसके बाद मैरी कॉम के साथ एक एड किया था, प्रिंट शूट किए थे. थोड़ा बहुत मॉडलिंग में स्टार्ट किया था, मेरे को इंटरेस्ट आने लगा था. उसके बाद फिर तो मेरे को पहली जॉब मिली थी, मेरा पहला इंटरव्यू था कॉलेज में, आईएफएल सिक्योरिटीज में. वो पहली कंपनी आई थी, तो आई थॉट इसमें दे देती हूँ, जल्दी से जॉब पकड़ लेती हूँ और शायद फिर बात कर जाए. तो मैंने फटाफट में जो पहली कंपनी आई वही उसमें बैठ गई. जॉब मिली मुझे, जितनी की मिली मैंने वही ले ली. तो आईएफएल सिक्योरिटीज में मैंने जॉब की, तो वहां से मुझे थोड़ा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की ही जॉब थी. तो वहां से फिर ये मेरी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई वहां. फिर सेम सीन की 1 साल बाद फिर से शादी 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 शादी. तो मैंने कहा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा. तो आई थॉट चलो कर लो जो करना है, क्योंकि मैं कितना टाइम तक होल्ड करूंगी, कितने टाइम तक. मैं हर बार मना करती रही बट पेरेंट्स का था कि सबसे बड़ी है इसकी शादी पहले कर देते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये जॉब भी थोड़ा रिपीटेटिव हो रही है, एक टाइप का ही काम था, वही क्लाइंट प्लेस पे जाना. जितना मैंने सीखना था सीख लिया. आई थॉट कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर देती हूँ. तो और फिर इसमें ये भी डिफिकल्टी आई कि पेरेंट्स बोलने लगे कि अभी तो जॉब लगी हुई है और शादी के बाद लगी रहेगी, तो कोई मना भी नहीं करेगा. अगर अब तू छोड़ के बिजनेस करने लग जाएगी, अपना खुद का कुछ करने लग जाएगी, तो फिर शायद तू घर पे बैठ जाएगी शादी के बाद. तो मैंने साथ में ये टैक्सेशन हेल्प स्टार्ट कर दिया था, जॉब में कर रही थी मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने टैक्स वगैरह पढ़े थे सीए में, और सीए के अंडर काम भी किया था 1 साल. तो वहां से थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो वहां से ये मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था. आपने फेलियर देखा है लाइफ में, घर पे भी प्रेशर था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था जो आपको हमेशा एफर्ट डालने को कहता रहता था? आपने एमबीए भी किया, आपने व्हेनेवर शादी का जब भी टॉपिक आया यू हैड अ वे आउट ऑफ इट बिकॉज यू वर सो डिटरमाइंड कि आपको आपके करियर के साथ कुछ करना है. आपका थॉट प्रोसेस कैसा था एंड व्हाट वुड यू से टू अदर स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग समथिंग सिमिलर? या मैं ये बताऊं कि मुझे बाकियों से क्या डिफरेंट लगता था. बाकी लोग बहुत नेगेटिव होते थे कि अगर जैसे कोई किसी ने कहीं सक्सेस पा लिया है तो उसके पीछे रीजन ढूंढते हैं लोग कि अरे वो सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब वो उसके पापा अमीर थे, या उसका तो लक काम कर गया, है ना. तो हम रीजन ढूंढते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों हुआ है, और हम खुद को क्या बोलते हैं कि
यार हमसे नहीं होगा, वो तो बड़े लोगों की बात है। तो मेरे अंदर ये नहीं था, मुझे लगता था कुछ भी पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ। मुझे खुद पे था, भले ही मैं कितना ही लो कॉन्फिडेंस थी अपने इंग्लिश को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, या मेरे फ्रेंड्स कभी बने ही नहीं क्योंकि स्कूल इतने चेंज होते रहे और मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इन सबको लेकर काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंट थी। बट मैं अपने आप को लेकर कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, मेरे लिए कुछ ना कुछ है एक्चुअली में। तो मैं हिंदी मूवीज बहुत ज्यादा देखती थी, तो वहां से मुझे ये इंस्पिरेशन आती थी। तो हिंदी मूवी कैसे किसी को हीरो बना देते हैं और वो कुछ भी कर देता है, तो मुझे लगता था मैं खुद हीरोइन हूँ और मैं कुछ करूंगी, मेरे साथ कुछ होगा, मेरे साथ कुछ बड़ा होगा। तो मैं बहुत ज्यादा हिंदी मूवीज देखती थी ना, तो वही मैं कह सकती हूँ कि हिंदी मूवीज की वजह से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आपके जॉब के बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, करेक्ट? कॉन्फिडेंस हाई था हाल फिलहाल, बिकॉज जॉब भी मिल गई थी, यू फिनिश्ड योर एमबीए। टैक्सेशन हेल्प का आइडिया कहाँ से आया और वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वो पहला साल कैसे था आपके लिए? जब मैं जॉब कर रही थी ना आईएफएल में, तो मेरे जब कलीग थे ना, तो वो भी खुद का अपना एडवाइजरी स्टार्ट कर रहे थे। तो 5-6 का ग्रुप था उन लोगों का जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे, 10-15 साल का उनका एक्सपीरियंस था। तो वो अपना कह रहे थे कि आईएफएल छोड़ के वो अपनी खुद की एक आईएफएल जैसी मतलब एडवाइजरी स्टार्ट करेंगे। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये लोग इस स्टेज पर आकर अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, कि जॉब को इतनी अच्छी सैलरी पैकेज है उनकी, उसको रिस्क करके बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम लंच टाइम में साथ में बैठती थी पूरी टीम, तो उनकी बातें मैं सुनती थी, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे भी यार बिजनेस करना चाहिए। तो मैं एडवाइजरी तो नहीं कर सकती थी और ना मैं उनको ज्वाइन कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, 1 साल भी कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो ना मुझे स्टॉक मार्केट की सच में इतनी नॉलेज थी जितनी उन लोगों को थी। तो आई थॉट कि मुझे खुद का फिर कुछ और करना चाहिए। तो मैंने आइडिया उन लोगों से लिया, लेकिन करा खुद का, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था या थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था। वो आई थॉट कि आईटीआर, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये जो सर्विसेज होती है टैक्सेशन की, ये मैं करनी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ये मैंने सीखा हुआ है, तो जो मैंने किया हुआ है उसमें मैं अच्छा कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये टैक्सेशन हेल्प स्टार्ट किया था। एंड देन फिर स्टार्ट करते हुए, जब स्टार्ट तो मैंने कर दिया था, फिर 2-3 महीने बाद ही मेरी शादी भी हो गई थी। तो शादी होने के बाद तो मुझे लगा था कि शायद मेरे लिए अब टैक्सेशन हेल्प चलाना डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं जॉब पे ही फोकस करती हूँ या जॉब को कंटिन्यू करती हूँ। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड को इतना फर्क नहीं पड़ता मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इवन मेरी इन लॉज को भी, हालांकि वो भी गाँव से है, मतलब प्रॉपर गाँव है हमारा। फिर क्या हुआ कि फिर लॉकडाउन लग गया, मतलब 6 महीने बाद ही, ये 2019 में मेरी शादी हुई थी और 2019 में मैंने जॉब छोड़ी थी, और जॉब छोड़ने के बाद फिर 2020 के स्टार्ट में ही लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में फिर मेरा इतना अच्छा क्लाइंट बेस नहीं बना था एक्चुअली, तो मेरे को रेंट देने में और स्टाफ की सैलरी देने में थोड़े इश्यूज आने लगे। तो आई थॉट कुछ और करना पड़ेगा, मतलब मुझे हमेशा ये था कि ये स्टॉप नहीं है, कुछ और है मेरे लिए, कुछ और मुझे करना पड़ेगा। तो आई एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि टिकटॉक है, टिकटॉक हम रात को देखते थे, मेरी फैमिली खुद देखती है और हमारे गांव में ऑलमोस्ट सभी देखते थे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने वहां देखना स्टार्ट किया कि वहां पर कोई भी नहीं है अभी जो फाइनेंस की बात कर रहा हो या टैक्स की बात कर रहा हो। तो आई थॉट कि यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज है, और एक्चुअली में वही हुआ, मेरी सेकेंड वीडियो ही हिट हो गई थी, उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए थे। तो उसके बाद मुझे लगा अरे वाह, आई कैन डू इट। तो उसके बाद फिर मैं और बनाती गई, फिर और हिट नहीं हुई बहुत टाइम तक, बट मुझे पता था कि हो जाएगी, जब पहली हो गई तो हो गई, हो ही जाएगी। तो मैंने टैक्सेस, फाइनेंस, फिर मैं स्टॉक मार्केट बनाने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि टिकटॉक बंद हो गया, तो फिर मुझे लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वहां पर फिर मैं फिर से जीरो पे आ गई, क्योंकि मैंने कहीं और शिफ्ट नहीं की थी अपनी ऑडियंस को। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया वहां पर कि कुछ और देखते हैं। तो हुआ क्या कि जब टिकटॉक के टाइम पर मेरे पास इतनी ज्यादा व्यूज आ रहे थे, इवन कॉल्स आने स्टार्ट हो गई, तो मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, कंसल्टेशन के साथ साथ जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह उनकी सर्विसेज, और मैंने काफी लोगों के साथ टाई अप कर लिए थे, मतलब जो जैसे अगर मैं खुद काम नहीं कर पा रही हूँ, स्टाफ भी मैंने 2-3 ही रखा हुआ था, तो मैंने बाकी जो हमारी टेक्स फर्म्स होती है उनके साथ टाई अप कर लिए थे कि बिजनेस मैं लेके आ रही हूँ और आप ये काम कर सकते हो। तो उसके बाद, क्योंकि मैंने हायर भी नहीं किया ज्यादा, मुझे लगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि मेरा चलेगा, बट मुझे लगा कि मुझे अभी हायर नहीं करना चाहिए, अगर मैं हायर करूंगी तो प्रॉपर तरीके से हायर करूंगी। तो इसलिए मैंने 2 महीने का जो टाइम था उसमें सिर्फ और सिर्फ वही किया जो मैं पहले से कर रही थी,
कॉल एंटरटेन करना, जितना हो सके खुद काम करना, बाकी आउटसोर्स कर देती थी मैं। तो उसके बाद जब ये बंद हो गया तो फिर मैं फिर से वहीं बैठी हुई थी। तो मुझे उस वक्त इतना रिलीफ हुआ कि चलो ये तो सही है कि मैंने जल्दी में आके स्टाफ हायर नहीं किया ताकि उनकी सैलरी देनी पड़ती, या बड़ा ऑफिस नहीं लिया ताकि उसका रेंट देना पड़ता। तो मुझे इतना रिलीफ था, और थोड़ा बहुत अमाउंट मैंने सेव भी कर लिया था उन 2 महीने के टाइम पे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और फिर इस तरीके से टैक्सेशन हेल्प फिर मैं कंटिन्यू करती रही। मैंने वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था, फिर वेबसाइट का मैंने एसईओ वगैरह कराया, बाकी चीज़ें। तो फिर मैंने अपने बिजनेस को, सोशल मीडिया को अलग ही रखा उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी, क्योंकि वो बंद हो गया था। तो मैंने फिर अपनी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया, जैसे कंटेंट मार्केटिंग हो गया, एसईओ हो गया, ताकि मेरे पास सोशल मीडिया ना हो तब भी मेरे पास ट्रैफिक आना चाहिए। तो वहां से फिर मैंने थोड़ा अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, और ज्यादा पढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट का मुझे पता था प्रैक्टिकल, लेकिन उसको समझाना कैसे, क्या सारी चीजें, ये भी मैंने सीखी ऑनलाइन काफी ज्यादा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ होगा, क्योंकि न्यूज आ रही थी इंस्टाग्राम का भी कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने एक दो हफ्ते तो वही वीडियोस डाली जो मैंने टिकटॉक पे बनी हुई थी इंस्टाग्राम पर। उसने इंस्टाग्राम पे मेरे उस वक्त 1000 के आसपास फॉलोअर थे जब टिकटॉक बंद हुआ था। तो उसके बाद फिर से रील आ गया था, आई थिंक 15 दिन बाद ही आ गया था या 1 महीने बाद आया था, इतना मुझे याद नहीं है, है ना। तो फिर मैंने वहां से फिर से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, एंड देन फिर अभी मेरे 4 लाख के आसपास है। आपने स्टार्टिंग में बोला कि जब आपके कलीग्स एडवाइजरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, आपको लगता था कि आपको उनके तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? व्हिच इज गिवन, क्योंकि आपने उतने जितने साल काम नहीं किया। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस इन टैक्सेशन और आपके क्लाइंट्स आ रहे थे, आपने अपना क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड किया उनके साथ? करेक्ट करेक्ट, ये बहुत ज्यादा इशू आया था, क्योंकि मैं बताऊं जो टैक्स फॉर्म होती है उसमें आपका डिग्री देखा जाता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो या एडवोकेट हो, तो डिग्री देखा जाता है, है ना। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास क्रेडिबिलिटी तो नहीं थी, क्योंकि ना तो मेरे पास एक्सपीरियंस था ना मेरे पास डिग्री थी, राइट। बट गूगल माय बिजनेस एक ऐसी वेबसाइट थी, अगर वहां पर आप अपने आप को अच्छे से लिस्ट कर लेते हो तो वहां से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। एंड वंस अगर क्लाइंट ने तुम्हें कॉल कर लिया या क्लाइंट तुमसे मिलने आ गया, तो फिर डिग्री मैटर नहीं करती। डिग्री कहाँ तक मैटर करेगी? कि उन्होंने तुम्हारा नाम देखा, उसमें सीए नहीं लगा हुआ है, सीएस नहीं लगा हुआ है ना, वहां पर वो सोचेंगे कि इसको कॉल करे या ना करे। लेकिन अगर उन्होंने कॉल कर लिया तो वो डिग्री वाला चीज खत्म हो गया वहां से। अब तुम्हारी नॉलेज है, अब तुम्हें कन्विंस करना है उनको कि तुम उतनी ही नॉलेज रखते हो, मतलब तुम्हें वो पता है जो उस क्लाइंट को चाहिए, राइट। तो कॉल्स बहुत कम आती थी स्टार्टिंग में, बहुत ही कम आती थी, मतलब हो सकता है दिन में एक ही आए, दिन में एक भी नहीं आती थी, कभी कभी तो हफ्ते में मान लो 5-6 कॉल ही आती थी। तो क्रेडिबिलिटी मैंने सिर्फ नॉलेज के थ्रू बढ़ाई कि क्लाइंट कुछ भी पूछ रहा है तो मेरे पास आंसर होना चाहिए। मैं काम कर चुकी हूँ सीए फर्म में, मेरे को पता है कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, वो मैंने आईएफएल में भी सीख लिया और टीटीएसएल में भी सीख लिया था। टीटीएसएल में मेरा यही काम था, मेल्स वगैरह और ये सारी चीजें थी। तो मुझे कस्टमर को हैंडल करना तो आ गया था, जितना भी मेरा पहले एक्सपीरियंस किया था। फाइनेंस को भी मैनेज करना आ गया था, टैक्सेस का भी आ गया था। बस वो क्रेडिबिलिटी ये था कि अगर जितना मैं कॉन्फिडेंस साउंड करूंगी, जितना मैं आंसर करूंगी, तो वो एक वो भूल जाता है क्लाइंट कि मैं सीए हूं या सीएस हूं कि नहीं हूं। नॉलेज की आपने बात की कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट होता है। यू मेंशनड कि ऑब्वियसली आपने आईएफएल और टीटीसीएल के थ्रू सीखा, आपने क्या और कुछ भी किया था ये नॉलेज बढ़ाने के लिए टू इम्प्रेस योर क्लाइंट्स इवन मोर? नहीं, मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने जो सीए के टाइम में पढ़ा था वही मुझे पता था। क्योंकि अब देखो ना, मैंने एक एग्जाम देने के लिए 3 साल मेहनत करी है, तो जब 3 साल तुम वही बुक्स पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स तुम्हें रट जाते हैं, भले तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, शायद तुम्हारी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या शायद तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि क्या चीज क्या होती है, क्या चीज कैसे होती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं ना। 3 साल तुम वही सेम टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। और मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आती थी तो मैंने टीटीएसएल में सीख ली, फिर आईएफएल में मेरा यही काम था। तो इस तरीके से मैंने फिर अपने आप को स्टार्ट किया बिजनेस में। तो अभी आपके लिए टिपिकल डे कैसा है? कंटेंट क्रिएशन भी है, टैक्सेशन हेल्प भी है, जिसका ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है,
सो मैनेज कैसे करते हो और एक आइडियल डे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने दिन? सी अभी लॉकडाउन की वजह से शेड्यूल बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि अभी हाँ क्लब हाउस आ गया, क्लब हाउस की वजह से और ज्यादा बिगड़ गया कि रात को 12 बजे तक एक्टिव रहते हैं हम, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे होते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, क्योंकि अपडेटेड रहना जरूरी है, ये मैंने सीख लिया था टिकटॉक के टाइम पे, या तुम जिस इंडस्ट्री में उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या फिर क्या होने वाला है आगे। तो अभी लॉकडाउन का तो बहुत ही खराब शेड्यूल चल रहा है। अदरवाइज मैं ऑफिस टाइम वाला बताऊं तो मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठती थी, उस टाइम पे भी आई एम नॉट अ 5 AM क्लब मेंबर। तो 8 बजे उठ के फिर 10 बजे तक हमें ऑफिस तक रश करना होता है, तो ऑफिस गए फिर वहां पर जो भी नॉर्मल ऑफिस का काम है उसके बीच में मैं अपनी एक स्क्रिप्ट में निकाल देती थी रील की, क्योंकि तब तक मैं रील पे फोकस कर रही थी, यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट किया है वर्क, तो एक स्क्रिप्ट बीच में निकल जाती है यूट्यूब की, तो लंच टाइम में मैंने यूट्यूब के लिए सॉरी रील के लिए रिकॉर्ड कर लिया, एंड देन अपना जो भी काम है ऑफिस का वो चल रहा है। फिर शाम को कभी 8 बजे आ रही हूँ, कभी 9 बजे आ रही हूँ, तो लेट हो जाता है शाम को कभी कभी, अदरवाइज 7 7 के तो बाद ही आते हैं हम वापस, उसके बाद डिनर एंड देन फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया एंड देन सो जाओ। गुड गुड, ऑलमोस्ट सिमिलर डे काइंड ऑफ, लेकिन हाँ पूरा दिन सिर्फ करेक्ट कंटेंट क्रिएशन ही, बिकॉज आई विल टेक केयर ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स। बट कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने बोला था कि देयर वाज अ टाइम कि आपको क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे थे, राइट? स्टार्टिंग के 6 महीने यू डिडंट हैव अ गुड क्लाइंट बेस ऑल्सो। आपने एक अच्छा क्लाइंट बेस कैसे बनाया? What was the secret behind that? Obviously, content creation की वजह से वो बढ़ गया, but what other things did you do to develop a good client, loyal client base? अगर किसी ने मुझे कॉल कर लिया है या किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे कोई आया है ना, तो उसकी एक एक, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेवेंट हो कि नहीं हो, चाहे मुझे जैसे अगर किसी ने आईटीआई के लिए कॉल किया है तो चाहे वो आईटीआई का क्वेरी हो कि नहीं हो, मुझे उसको आंसर करना था। तो मैंने आईएफएल में क्या सीखा था, रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि हम वहां पर क्या करते थे, एचएनआई क्लाइंट के साथ डील करते थे, और जिनका पोर्टफोलियो होता है 1 CR का 2 CR का, तो वो एक मीटिंग में तो नहीं होगा ना, एक मीटिंग में वो मुझे अपने 2 करोड़ नहीं दे देगा मैनेज करने के लिए, तो मुझे उनके साथ 5 6 मीटिंग करनी होती थी, कॉल पे बात करनी, मेल्स, उनके बर्थडे, उनकी वाइफ का बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग मैं सीख गई थी आईएफएल से कि कैसे अपने क्लाइंट के साथ दोस्ती करनी है या कैसे उनके साथ रिश्ता बनाना है, सॉरी रिलेशनशिप बनानी है, तो वो हम सीख गए थे। तो वही मुझे पता था कि अगर मुझे किसी ने कॉल किया तो ये नहीं कि मैं सीधा बता दूं कि आईटीआर के 1,000 रुपए चार्जेस है, ये 2 दिन में हो जाएगा, मैं आपको करके दे दूंगी, दैट्स इट, ये नहीं, उससे पूरा पूछो कि वो बिजनेस क्या करता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, या वो क्यों आइडिया करा रहा है, सारी चीजें उससे पूछो ताकि उसको थोड़ा सा फैमिलियर सा फील होने लगे, फिर चाहे तुम उससे 1,500 मांगोगे वो दे देगा। कुछ क्लाइंट होते हैं कि चलो बिल्कुल ही प्राइस कॉन्शियस होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं 500 ही, तो उनको भी मेन है नंबर रखना अपने पास कि ज्यादा क्लाइंट बेस हो, तो प्राइस मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता, चाहे 500 रुपए का क्लाइंट हो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है स्पेशली टैक्स फॉर्म में कि जो सिर्फ आईटीआर कराने आते हैं, जो जिनका अमाउंट छोटा है, जिन सर्विसेज का जिनका चार्जेस छोटा है, उन पे ज्यादा टाइम लोग स्पेंड नहीं करते हैं और ना उन पे ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। मैंने छोटी चीजों से ही स्टार्ट किया है कि छोटी चीज या छोटे सर्विसेज के लिए ही कोई मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसको 100% वही वाली सर्विस दूं जो 10,000 वाली सर्विस के लिए आ रहा है, तो इस तरीके से वो 10 लोगों को और भी रेफर करते हैं, तो ये जो रेफर वाला पेड़ बनता है ना, उसकी वजह से मेन मेरे को फायदा हुआ, इतना मेरा ऑनलाइन या सोशल मीडिया से फायदा नहीं हुआ। मैं सच कहूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी क्लाइंट आए हैं वो 1 टाइम वाले थे या 2 टाइम मैक्सिमम 2 बार वाले, लेकिन जो मेरे पास डायरेक्टली क्लाइंट आते हैं वो मेरे जुड़ गए हैं, पेड़ से जुड़ गए हैं, कहते हैं ना एक ट्री होता है हमारे क्लाइंट्स का, वो फिर और जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, तो इस तरीके से जो मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा मेरे को रिलेशनशिप का है, या वो ज्यादा मेरे लॉन्ग टर्म वाले हैं रादर देन जो मेरे पास सोशल मीडिया से आ रहे हैं। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन एक बार आपके लिए प्रॉब्लम था, अभी वही आपके लिए आपका मेन की मेन वेपन हो गया टू सक्सीड विद टैक्सेशन हेल्प। यस 100% यार 100%। दैट बीइंग सेड, व्हाट वुड यू से इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर जर्नी? कम्युनिकेशन ही हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन, जहां पर तुम्हें अपने आप को दिखाना है,
अपनी बातें बोलनी, अपने बारे में बोलना है, ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट लगता था 5-6 साल पहले। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ 2 साल पहले ही, भले ही मैं काम कर रही थी, क्लाइंट से मीटिंग कर रही थी, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बात कर सकती थी इतनी, और ना मैं अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट थी। तो सोशल मीडिया या कॉन्टेंट क्रिएशन से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है। तो ये और एक ये भी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जनरली जैसे अगर किसी को वीडियो बनानी हो तो 10 बार सोचता है कि नहीं 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 मैंने बनाई थी, चाहे गंदी से गंदी बनाई, चाहे मैंने फिल्टर यूज किया हो, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मैंने मेरे को पता था कि मुझे करना है। और मेरी फैमिली ऐसे देखती थी, क्या कर रही है, क्या बकवास है ये, कौन देखेगा तेरे को, क्या नॉलेज दे रही है तू, क्या किसी की हेल्प हो रही है ना। इवन मेरे खुद के भाई बहन हो या खुद के फ्रेंड्स हो, अगर मैं उनको बोलूँ कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करो तो वो तो बिल्कुल नहीं यार, ये तो बड़े लोगों का बात है, नहीं हुआ, अलग काम करता है, तो लोग पहले मना करते हैं हर चीज के लिए, खुद से नेगेटिव होते हैं। मेरे अंदर वो नहीं था, किसी ने अगर मुझे कोई आइडिया दिया ना तो मैं ये नहीं सोचती थी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं सोचती थी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं होल्ड नहीं करती अपने आप को। जैसे अगर कोई मुझे पॉडकास्ट बोले अभी कि नहीं तू तो नहीं कर सकती है ये, कोई करना चाहे अगर पॉडकास्ट तो क्या सोचेगा, नहीं अभी तो इसकी मार्केट ही नहीं है, है ना, डिफिकल्ट है, अभी जब कोई देख ही नहीं रहा तो तुम कैसे पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट बनाए जा रहे हो, राइट। बट मुझे ऐसा, मैं ये नहीं सोचूंगी कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये सोचूंगी मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मेरी बहुत डिफरेंट है ये सोच, ये वाला मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में और बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने लिए। नहीं 100% आई थिंक आपको होना ही चाहिए इस बारे में, बिकॉज इट्स अ ग्रेट फीलिंग, समवन हु इज डूइंग समथिंग सिमिलर, आई नो कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है। बट दैट बीइंग सेड, टॉकिंग अ लिटिल मोर अबाउट टैक्सेशन हेल्प और पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन सीए टैक्स, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दीस स्टूडेंट्स, आप इन स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? सी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल करियर फील्ड, राइट। अगर तुम सी एग्जाम दे रहे हो या टेक्स हेल्प या कोई भी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है स्टार्टिंग में तुम सक्सीड ना कर पाओ। जैसे मैंने है 3 साल वेस्ट नहीं कह सकती मैं उसे, 3 साल अपने टैक्सेस को दिए थे या सीए को दिए थे, वो मेरे वेस्ट नहीं हुए, वो मेरे कहीं ना कहीं काम आए, है ना। तो अगर आप किसी सीए एग्जाम के लिए सीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और वो नहीं क्लियर हो रहा है तो ये सोचो ये नॉलेज आपकी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो डोंट फील कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुमसे नहीं हो रहा है या तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आएंगे, स्लोली आता है, हर चीज काम करती है, बट तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा, तुम्हें ये करना सोचना होगा कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे, ये नहीं तो कुछ और, तुम्हें करना ही होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला यही काम किया है, वो है एक्सप्लोर वाला। मैंने एक्सप्लोर करने का बहुत ट्राई किया है, ये नहीं तो ये कर लेती हूँ, ये नहीं तो ये कर लेती हूँ। तो आप भी वही सब ट्राई करते रहो, तभी आप कुछ ना कुछ एक्चुअली अच्छा कर पाओगे। I think that is one great advice. इसी के साथ मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने एक एडवाइस अभी स्टूडेंट्स को दी, मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ और वो है कि एक ऐसा एडवाइस है जो आप अपने आप को जब आप छोटे थे आप तभी देना चाहते थे अपने आप को, तो अभी आपने टैक्सेशन हेल्प चालू कर दिया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ है जो आपने अभी सीखा है जो आप अपने यंगर सेल्फ को बोलना चाहते हो, या एक ऐसा एडवाइस आप विश करते हो कि आपको बचपन में मिला होता और किससे? बचपन में मुझे इतना ही याद है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मुझे अगर कोई बोलता कि कॉन्फिडेंस लुक से नहीं आता या कम्युनिकेशन स्किल से नहीं आता तो उस वक्त मेरे लिए अच्छा होता कि मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो ये चीजें नहीं सोचती मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं बहुत ज्यादा यंग थी। तो उस वक्त मुझे कुछ कोई बोलने वाला चाहिए था जो मुझे मेरे बारे में बता सके कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, जो मुझे जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना वो मेरे अंदर नहीं थी उस वक्त। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि कोई मुझे बता पाता ना उस वक्त की सेल्फ अवेयरनेस रखो अपने बारे में, खुद जानो और एक्सप्लोर करो खुद को, तो मैं और अच्छा कर सकती थी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट नोट टू एंड ऑन। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग ऑन द करियर शो, आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और टैक्सेशन हेल्प इज अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप्स एंड नॉर्मल बिजनेसेस एज वेल। So once again, thank you so much for coming on the show. It's been lovely talking about the journey of your job. Thank you, Trishan. Thank you. I had a lovely time over here. Thank you. I hope I have added some value to your audience today. Definitely. Thank you so much, Neha. Thank you.
I hope you enjoyed this week's career discussion. Let me know your thoughts in the comment section. Also, don't forget to like, share, and subscribe. Your support means a lot.